नमस्कार, आप देख रहे हैं एच सी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके शानदार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ने का फैसला करके सभी को चौंका दिया। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी उन्होंने T20 विश्व कप से पहले यह ऐलान कर दिया था कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। उसके कुछ ही महीनों बाद उनका ये फैसला करोड़ों दर्शकों का दिल तोड़ चुका है। सभी अपने प्लेयर को मैदान पर कप्तान के तौर पर देखना चाहते थे, वो भी लंबे समय के लिए। लेकिन अचानक लिया गया ये फैसला उनके हर फैन को नागवारा है। वहीं दूसरी ओर उनके इस फैसले पर लोग अपनी राय बना रहे हैं। कुछ लोग अपनी संवेदना और साथ जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस पर टिक्का टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अब इन सबके बीच ये सवाल उठता है कि विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद उनकी जगह पर नए कप्तान के चेहरे में कौन होगा। पहले आपको बता दें कि बीते शनिवार हुए इस आकस्मिक निर्णय के बाद विराट ने एक भावुक पोस्ट साझा कर अपनी फीलिंग शेयर की थी। उसके बाद पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी पति विराट कोहली के लिए उनके सफर और नेचर को लेकर एक बेहद भावुक कर देने वाला और दिल छू लेने वाला पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके जवाब में हर कोई परेशान है। अगर बोर्ड की बात करें तो BCCI में बैठे सदस्यों में इस फैसले से कोई खास अफसोस नहीं दिख रहा, वहीं वो विराट को लेकर अपमानित बयान दे रहे हैं। विराट के इस फैसले के बाद इंडियन टीम के पूर्व कप्तान रह चुके कपिल देव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, जो कि थोड़ी निराशाजनक है। कपिल देव ने कहा, सुनील गावस्कर मेरे अंडर खेले, मैं श्रीकांत और अजहरुद्दीन के अंडर खेला, मुझे कभी ईगो नहीं रहा। विराट को भी ईगो त्यागना होगा और युवा क्रिकेटर के अंडर खेलना होगा, इससे उन्हें और भारतीय क्रिकेट को मदद मिलेगी। विराट को नए कप्तान को गाइड करना होगा, हम विराट को एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं खो सकते। कपिल ने आगे कहा कि कोहली ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जरूर सोचा होगा, वो परिपक्व इंसान है, हो सकता है कि अब वो कप्तानी का लुत्फ नहीं उठा रहे हो। पूरे देश को उनका सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि विराट कोहली के अचानक टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI ये सोच में डूबी है कि आखिर किसे टेस्ट का नया कप्तान बनाया जाए। साउथ अफ्रीका में हुए मैच के बाद और प्लेयर्स के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कैप्टेंसी के लिए दावेदारों की लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक खिलाड़ी ऐसा है जो विराट कोहली की जगह नया टेस्ट कप्तान बनने के लिए फिट बैठता है। KL राहुल ही वो स्टार खिलाड़ी हैं जो नए टेस्ट कप्तान बनने के दावेदार हैं। वहीं KL राहुल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस टेस्ट मैच में कप्तान बनाया गया था, उसमें मैदान पर उनके आक्रामक तेवर भी देखने को मिले थे। इस बीच महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि युवा क्रिकेट कीपर ऋषभ पंत इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। हालांकि उनके साथी और भारतीय टीम के पूर्व कोच मदन लाल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आपके अनुसार आप टेस्ट मैच के कप्तान के तौर पर किसे देखना पसंद करते हैं? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें HC News। धन्यवाद।